हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन का भरते की रेसिपी। ये मैं मिट्टी के तावे में बनाऊंगी। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए कुछ सीक्रेट के साथ। ये देखिए, मैंने ना इसमें तेल लगा दिया है अच्छे से। तेल ऑप्शनल है, इससे थोड़े से छिलके जल्दी निकल जाते हैं, भुनते हैं हम उसके बाद, इसलिए मैंने लगाया है। ये देखिए, इसमें छेद करके हम इसमें लहसुन डाल देंगे। और जब भी आप बैंगन खरीदे तो देखें कि वो अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए और उसमें छेद नहीं होना चाहिए। छेद रहेंगे तो उसमें कीड़ा ज़रूर निकलेगा, ये ध्यान रखिए आप। इसे सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए, मैंने मिट्टी के तावे में जीरा डाल दिया है, लहसुन डाल लिया है। लहसुन को हमें ब्राउन करना है अच्छे से, अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद ही हमें प्याज डालना है इसमें। ये मैंने थोड़ी सी एक हरी मिर्ची तोड़ के डाल दी है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को अब अच्छे से ब्राउन होने देंगे। अब हम बैंगन रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छील के निकाल लिया है इसके, और इसे मैं चाकू से थोड़ा थोड़ा कट कर दे रही हूँ, नहीं तो इसके लंबे लंबे रेशे जैसे थोड़ा रह जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से कट कर लेंगे इसे। अब हम मसाला रेडी करेंगे। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे और गरम मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। और हम अब ये देखिए, इसमें डालेंगे ये घोल को, और इसे थोड़ा सा आधा मिनट के लिए थोड़ा सा चला के पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसे चला लेंगे। फिर इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालकर भी इसे चलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढककर पकाएंगे इसे। सॉफ्ट हो जाएगा ये अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन। फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए आप। इसमें लास्ट में मैं एक सीक्रेट चीज़ डालूंगी जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है बैंगन के भरते का। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। ये देखिए, हरा धनिया डाल दिया है। इसे अच्छे से चला लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे पहले हम। फिर अब इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट चीज़। अब आप सोचिए क्या हो सकती है सीक्रेट। ये देखिए, ये आया सीक्रेट। ये थोड़ी सी चीनी डाली है मैंने इसमें, इससे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से। इसे अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। अगर ये पोटैटो मैशर ना हो तो गिलास से भी मिक्स कर सकते हैं अच्छे से आप इसे। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।